उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक बड़ा हादसा हो और ये हादसा जो है रेल हादसा है, जिसमें ये बता दें कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ यानी कि असम की ओर जा रही थी, वो जो है गोंडा जिले में काफी ज्यादा अगर हम कहें उसके जो डिब्बे हैं उस ट्रेन के, वो पटरी से उतर जाते हैं, जिसके बाद ये संख्या बताई जा रही है कि 10 से 12 डिब्बे जो पटरी से उतरते हैं तो अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो जाता है और एक बड़ा रेल हादसे का ये रूप ले लेती है। हालांकि अगर आपको बताए तो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रख दिया है, तो वहीं असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने भी एक बैठक बुलाई है और कारण पूछे कि आखिरकार किस तरह से एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। इसी के साथ साथ जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, उनको अलर्ट मोड पर रख दिया है और ये जानकारी मिल रही है कि सबको ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जो है कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो उनको जल्द से जल्द जो है वो स्वस्थ किया जाए, उनका जो है उपचार किया जाए। लेकिन बड़ा एक रेल हादसा है जिसमें 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरते हैं चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की ओर ये लोग जा रहे हैं, तो काफी बड़ी संख्या में यात्री इस एक रेल में सफर होते हैं और इसी के साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी क्योंकि लोगों को चिंता सता रही है कि उनके परिजन उस रेल यात्रा में थे, उस रेलगाड़ी में थे और कुछ ना कुछ जो है उनके साथ अगर गलत हुआ है तो हमें जानकारी दे दीजिए कि आखिरकार हमारे परिजन कहाँ है। कुछ लोगों के मोबाइल फोन जो है वो नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों का नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहा है, जिसके बाद हेल्पलाइन जो है वो जारी कर दी है और